आसमान में पक्षी तेजी से उड़े जा रहे थे कि अचानक एक हंस पेड़ के नीचे बैठे बालक सिद्धार्थ की गोद में आ गिरा। सिद्धार्थ ने देखा हंस घायल हो गया था, उसके एक तीर लगा था। सिद्धार्थ ने तीर निकाला, जख्म को धोया, पोंछा और एक कपड़े से दबाकर खून को रोक दिया। तभी उनका भाई देवव्रत हाथ पे तीर कमान लिए वहां आ पहुंचा। वह सिद्धार्थ से बोला, यह हंस मेरा है, मैंने इसे मारा है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ, तुमने इसे मारना चाहा, किंतु अब यह मेरी शरण में आया है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? देवव्रत, सीधी तरह दे दो, मैंने इसे अपने लिए मारा है, तुम इसे रखने वाले कौन होते हो? सिद्धार्थ, भैया हंस मेरी गोद में आया है तो फिर यह मेरा हुआ, मैंने इसके प्राण बचाए, इसे प्यार किया, यह मेरा है। देवव्रत, तुम सीधी तरह नहीं मानोगे, चलो गुरुजी के पास। दोनों गुरुजी के पास जाते हैं। देवव्रत, गुरुजी देखिए, मैं निशाना लगा रहा था, यह हंस मेरी तीर से घायल हुआ, सिद्धार्थ ने इसे उठा लिया और अब मुझे देने से इनकार कर रहा है। गुरुजी सिद्धार्थ से, क्यों सिद्धार्थ, क्या बात है? सिद्धार्थ, गुरुजी प्रणाम, यह सही है कि हंस देवव्रत के तीर से घायल हुआ, किंतु यह मेरी गोद में आकर गिरा, मैं यदि इसकी देखभाल न करता तो यह मर जाता, मैं इसे देवव्रत को कैसे दे दूं, वह तो इसे मार डालेगा। गुरुजी, देखो देवव्रत, तुमने हंस को मारने का प्रयत्न किया, किंतु सिद्धार्थ ने उसके प्राण बचाए, ऐसा करते हैं कि हम हंस पर ही छोड़ देते हैं कि वह किसके पास रहना चाहता है। सिद्धार्थ, हंस को छोड़ दो। सिद्धार्थ हंस को गोद से नीचे उतारकर सबके बीच रख देता है। हंस ने गुरुजी को देखा, सहमी निगाहों से देवव्रत को देखा और फिर लपक कर सिद्धार्थ की गोद में छिप गया। गुरुजी, देखा देवव्रत, जीत सिद्धार्थ की ही हुई, मारने वाले से बचाने वाला सदा बड़ा होता है, अतः हंस सिद्धार्थ का हुआ। देवव्रत मुंह लटकाकर वहां से चला जाता है।